किया गया है उसमें शामिल होंगे। ये तस्वीरें रायपुर से आप देख रहे हैं, दूधधारी मठ की, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इसके अलावा तमाम मेहमान जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील ओरछा से लगातार जुड़े हुए हैं, जहां डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दर्शन के लिए, और साथ ही सुशील पूर्व मुख्यमंत्री के पहुंचने की बात भी है। बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, और मौसम की वजह से थोड़ा उनका कार्यक्रम लेट लतीफी वाला हुआ है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ही यहां पहुंच चुके थे। उन्होंने थोड़ी देर पहले यहां दर्शन किए। अब आप देखिए कि जो कलाकार है वो भी यहाँ भगवान राम राजा सरकार के मंदिर के सामने प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ये कलाकार देंगे, क्योंकि आज संस्कृति और इतिहास और धर्म के संयोग का एक दिन है। 500 साल बाद जब भगवान राम अयोध्या में वापस लौट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा देश जो है राम में लीन हो चुका है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की ओरछा अयोध्या कहा जाता है। और इस बुंदेलखंड की अयोध्या में भगवान राम के दूसरे घर में भी दूर दूर से लोग आए हैं, और थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे, तो वो राम राजा सरकार के दर्शन करने के बाद यहाँ मंच पर बैठकर पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद जो है अयोध्या से सीधा कार्यक्रम, जिसका प्रसारण यहाँ LED बड़ी स्क्रीन पर होगा, उस कार्यक्रम को देखेंगे। उनके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ मौजूद है, तो निश्चित तौर पर देखिए भक्तों का जो तांता है धीरे धीरे। तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं मोहन भागवत की, यहाँ पहुंचे हुए हैं जो 5 मेहमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहेंगे, उनमें से एक आप देख पा रहे हैं मोहन भागवत को, वो यहाँ आयोजन स्थल पर परिसर में, मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। और जिन जिन को निमंत्रण गया है, उस निमंत्रण पत्र के अलावा QR कोड एक मिला है, उस QR कोड को स्कैन करने के बाद ही पहुंच पाएंगे अंदर। ये पहले ही ट्रस्ट की ओर से साफ कर दिया गया था, और अब तस्वीरें हम आपको तमाम अलग अलग मेहमानों की भी दिखा रहे हैं। यहाँ मोहन भागवत जी को आप देख पा रहे हैं जो पहुंचे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। देखिए हमारी TV स्क्रीन भी, यहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन मेहमान है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, उनकी तस्वीरें भी आप नीचे वाली टैली में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के ओरछा में क्या आयोजन किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां आज कितना किस तरह का आयोजन किया गया है, वो तमाम तस्वीरें आपको TV स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हर कोई खुश है, आनंदित है, झूम रहा है, और झूमे भी क्यों ना, क्योंकि देखिए रामलला आ रहे हैं आज, और इसीलिए अपने अपने शब्दों में इस खुशी को बयां भी कर रहे हैं। यहां मेहमानों से मिले मोहन भागवत, अन्य मेहमानों से मिलने के बाद आगे बढ़े हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव TV स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो लगातार 108 घंटे की अखंड कवरेज न्यूज 18 पर देख रहे हैं आप, और अब बस थोड़ा सा इंतजार, और जब सब गाएंगे भय प्रकट दीन कृपाला कौशल्या हितकारी। देखिए लगातार हर कोई रामलला के आने की खुशी में भजन गा रहा है, राम धुन बजा रहा है, और राम नाम का जाप कर रहा है। कहा भी जाता है कि राम सरल और सहज है, इसीलिए राम नाम जपने के साथ ही राम के जीवन दर्शन को पढ़ने समझने की आवश्यकता है, ताकि उनके गुणों को आत्मसात कर लिया जाए। और इसीलिए ये तमाम मेहमान जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, विशिष्ट मेहमान, उन्हें ये निमंत्रण हासिल हुआ है, और आज वो इस दिन का साक्षी बनने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो राम जी की जय जयकार और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से तस्वीरें लगातार हम आपको TV स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, रामलला के नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के